एसएसपी के निर्देश पर गौ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चेकिंग के दौरान गुलहरिया थाना क्षेत्र के भटहर चौकी इंचार्ज ने ग्राम तरकुलहा नहर पुलिया पर दो पिकअप वाहनों में 8 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ठुसकर काटने के लिए ले जाते समय 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में अवरेज अली पुत्र शौकत अली निवासी धनेवा धनी टोला सुगठिया थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज, मैमुल हुदा पुत्र चुन्नूलाल निवासी डोमनपट्टी मौजा टिनवर्धा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर, मोहम्मद कैश पुत्र कासिम निवासी धनेवा धनी टोला सुगठिया थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज, कोलई पुत्र झूझी निवासी डोमनपट्टी मौजा टिनवर्धा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर, मैजुद्दीन पुत्र अब्दुल करीम निवासी भौवा बारी थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, गुड्डू पुत्र नथुने निवासी डोमनपट्टी मौजा टीनवर्धा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर, अरशद पुत्र गयासुद्दीन निवासी डोमनपट्टी मौजा टीनवर्धा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर एवं शाहिद पुत्र मंजूर निवासी डोमनपट्टी मौजा टीनवर्धा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया और दोनों पिकअप को सीज कर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, चौकी भटहर क्षेत्र के अंतर्गत कल चौकी प्रभारी व उनकी टीम के द्वारा दो पिकअप गाड़ियों में 8 भैंसों को भर के ले जा रहे 8 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। भैंसों की बरामदगी की गई है, गाड़ियों जो पिकअप दो गाड़ियां थी उनको सीज कर दिया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उनके विरुद्ध और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो क्या इनका भी कुछ आपराधिक इतिहास रहा है? अभी तक आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी जिलों से एकत्र किया जा रहा है। अगर कहीं आपराधिक इतिहास होगा तो उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी।